दोस्तों, इस चोर की कहानी सुनकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि ये चोर कोई आम लड़का नहीं है, बल्कि लाखों में एक और कहें तो बेहद अनोखा है। दरअसल ये एक ऐसा चोर है जो इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। कपिल कश्यप नाम के इस चोर को पुलिस ने उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वह यूपी की राजधानी लखनऊ के एक घर में चोरी करने गया था। उसकी गिरफ्तारी का कारण यह था कि जब वह चोरी करने के लिए घर में घुसा तो उसने देखा कि घर में एक तरफ सोफा पड़ा है और दूसरी तरफ दीवार पर एसी भी लगा हुआ है। फिर क्या था, भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए उसने एसी चालू कर दिया। उसके बाद घर का कीमती सामान इकट्ठा करने लगा। जब तक सारा सामान चोरी करके इकट्ठा किया, तब तक कमरे के अंदर का माहौल एसी की वजह से खुशनुमा हो चुका था। आरामदायक ठंडा वातावरण देखकर चोर ने थोड़ा आराम करने का फैसला किया और सोफे पर लेट गया। एसी की ठंडी हवा पाकर चोर को नींद भी आ गई और वो वहीं सोफे पर सो गया, क्योंकि एसी की ठंडी हवा ने उसे इतना मदहोश कर दिया था कि उसे ख्याल ही नहीं रहा कि वह चोरी करने आया है और उसे चोरी करके जल्द ही निकल जाना है। इस तरह चोर कई घंटों तक एसी की हवा में सोता रहा। जब सुबह 9 बजे चोर की नींद खुली तो वह हैरान रह गया, क्योंकि उसके सामने पुलिस खड़ी थी। पुलिस उस चोर को गिरफ्तार करके थाने ले आई। लखनऊ के गाजीपुर पुलिस इंस्पेक्टर विकास राय ने बताया कि चोर का नाम कपिल कश्यप है और यह मुसद्दीपुरी का रहने वाला है, और जिस घर में यह चोरी करने गया था वह डॉक्टर सुनील नाम के व्यक्ति का घर है, जो इंदिरा नगर के सेक्टर 10 में रहते हैं, जबकि जिस घर में चोरी हुई है वह इंदिरा नगर के सेक्टर 20 में है और अधिकतर ये मकान बंद रहता है। डॉक्टर सुनील कभी कभी यहां आते हैं। चोर बिल्कुल तड़के सुबह घर में घुसा था और इन्वर्टर, बैटरी, गीजर, टिल्लू पंप वगैरह सभी कुछ खोलकर रख लिया था और कुछ सामान बोरी में भरकर भी रख लिया था, और ले जाने से पहले उसने सोफे पर बैठकर सिगरेट पिया और फिर वहीं आराम से सो भी गया। सुबह पड़ोसियों ने घर का ताला टूटा देखा तो इसकी जानकारी डॉक्टर सुनील को दी और डॉक्टर सुनील ने ये बात पुलिस कंट्रोल रूम को बताई। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जब कमरा खोला तो देखा कि कपिल कश्यप आराम से सोफे पर पड़ा सो रहा है। जब पुलिस ने चोर को जगाया तो चोर अपने आसपास पुलिस कर्मियों को खड़ा देखकर हैरान रह गया और उसे समझ नहीं आया कि अब उसे क्या करना है। इस तरह पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया। एसीपी विकास जायसवाल ने बताया कि कपिल के खिलाफ चोरी के 6 मामले पहले से ही दर्ज हैं और कुछ महीने पहले ही वह चोरी के एक मामले में जेल से छूटकर बाहर आया है। जब लोगों को इस अनोखे चोर के बारे में पता चला तो लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाए। सबके चेहरे पर चिंता की जगह मुस्कान थी और लोग ये कहते सुने भी गए कि अगर चोर हो तो ऐसा ही हो। किसी ने कहा कि डॉक्टर साहब ने अपने घर में एसी नहीं बल्कि चोर पकड़ने वाली मशीन लगा रखी है। जब ये खबर मीडिया में पहुंची तो खूब चटकारे लेकर खबर को सुनाया गया। दोस्तों, आप इस चोर के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।